नमस्कार, आप देख रहे हैं NN24 और मैं हूं आपके साथ विदिशा। मैनपुरी उपचुनाव के लिए सपा ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। डिंपल यादव को पार्टी ने मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया। पार्टी की ओर से गुरुवार को उनके नाम का ऐलान किया गया। मैनपुरी उपचुनाव के लिए डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही लगातार इस बात को लेकर इंतजार था कि पार्टी वहां से उम्मीदवार बनाती है। कयासों पर विराम लगाते हुए गुरुवार को डिंपल के नाम का ऐलान कर दिया। मैनपुरी उपचुनाव में प्रत्याशी के लिए तेज प्रताप यादव, शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव का नाम भी चर्चाओं में था। मुलायम की यादों के सहारे लड़ा जाएगा चुनाव। गौरतलब है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया था। सपा जहां नेताजी की यादों के सहारे ही चुनाव को जीतने का मन बना रही है, उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही यह तय माना जा रहा था कि परिवार के ही किसी सदस्य को इस सीट से मैदान में उतारा जाएगा। मैनपुरी सीट पर 1996 से लेकर 2019 तक सपा ने ही जीत दर्ज की है। लगातार इस सीट से नेताजी के परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ता जा रहा है। ऐसे में अब होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी ने डिंपल यादव के नाम पर मोहर लगाई है। मैनपुरी सपा का गढ़ है और विपक्षी इस सीट पर कब्जा करने के लिए उपचुनाव में पूरी जोर आजमाइश भी करेंगे। मुलायम का गढ़ बचाने के लिए अखिलेश ने सालों पुरानी कस्में तोड़ी। डिंपल को लेकर कही थी बड़ी बात, अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने के लिए अपनी सालों पुरानी कसम तोड़ दी है। उन्होंने 2017 में कहा था कि अगर बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाती है तो मेरी पत्नी अगला चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि पार्टी की ओर से डिंपल को ही प्रत्याशी बनाया गया, कैंडिडेट घोषित किया गया है। आप वर्तमान में विधायक भी हैं, क्या कहते हैं? निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत है और जनता में बहुत उत्साह है और निश्चित रूप से मैनपुरी का जो इतिहास था उस इतिहास को बरकरार रखते हुए प्रचंड बहुमत से विजय हासिल करेंगे। अचानक से पहले चर्चाएं कुछ चल रही थी, अचानक से डिंपल यादव का नाम आया। चर्चाएं तो लोग अपने अपने मन में करते रहते हैं, लेकिन जब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नीतिगत निर्णय कोई सामने नहीं आता तब तक क्या।